करोना वायरस के चलद लॉकडाउन दौरान जिथे लोगों को कामकार करन दे लई थोड़ी ढिल दी गई है उत्थे ही लोगों के लिए काम करन दा समा भी प्रशासन के वलों तय किया गया है जिस चलद लोगों के वलों उन्होंने नियमों दीआं पूरी तरह के नाल तज्जियां उड़ाईआं जा रही हैं जिस दौरान इस संबंधी जो साडी फास्ट वे न्यूज़ की टीम के वलों शहर के वख-वख बाजारों का दौरा किया गया तो दुकानदारों के तय किए गए समय तो बाद भी कई दुकाना खुलियां देखी गई जिस तरह पेश है फास्ट वे की एक खास रिपोर्ट जिथे करोना का कहर जरा लगातार जारी है पर उत्थे जे गल करिए जिला प्रशासन वालों लोगों को जिथे काम कार करने लिए ढिल दी है पर लोगों वालों अपनी बेवकूफ़ी का नज़ारा पूरा दिखाया जा रहा कि हुण जिहड़ा शाम का जिहड़ा टाइम दिता गया जिला प्रशासन वालों 6 बजे तो बाद दुकाना बंद करन दा पर हुण शहर के वख-वख इलाकों के विच साडी फास्ट वे टीम पहुंची है तो जिथे कि दुकाना काफ़ी खुलियां पईआं ने 6 बजे तो बाद भी जो कि लगता इन्हां नूं देख के लगता कि इह तां खतरियां दे खिलाड़ी बने पए ने बीमारी नूं कुछ समझ नहीं पए मजाक बना के रख दिता जी इन्हां ने करफ्यू का यानी कि करोना वायरस का इस बीमारी का बिल्कुल मजाक बना के रखिया साडी टीम पहुंचण तों बाद हुण दुकाना बंद होनिया शुरू हो रही हैं पर लोगों जो अज इस महामारी के प्रति जागरूकता नहीं हैगी तो आने वाला समा होर भयानक हो सकता है तो तुम देख रहे किस तरह दुकाना सारिया हम बंद हो रही हैं साड़ी जी टीम पहुंची है पहुंचने तो बाद दुकाना ही जी सुती भी जी नींद के उठे ने तो हम तो अपनी दुकाना बंद कर रहे हैं तो सो बाजार का होर भी तुम हाल दिखाने हैं सारा बाजार प्रोपर खुला पाया तो मैं कैमरामैन कहूँगा मेरी घड़ी दिखा दी जाए टाइम की हो गया जो कि 6 बजे का टाइम इन्होंने दुकाना बंद करने का दिता हुआ तो 7 बज रहे हैं पर दुकाना हाले तक भी खुलिया ने तो जिन्होंने देख के लगता कि आने वाला समा होर भी भयानक रूप धारण कर सकता तो जिन्होंने बिल्कुल कोई परवाह नहीं है परवाह ही नहीं है तो लगता कि यह होर लोगों की जिंदगी भी खतरे के पा रहे हैं तो अच्छ लोड़ है जिला प्रशासन इन्हों को सख्ती के नाल अड़े हाथों ने लैन की 6 बजे लगता होगा दुकान बंद करती बस दुकान बताती दुकान मास्क तो गल कर उतारे जी तो बहुत ज़्यादा बीमारी बहुत ज़्यादा जी नहीं खतरे यही खड़ाई है जी साड़ी टीम फास्ट वे की पहुंचने तो बाद हुण पुलिस को इतलाह मिली है तो पुलिस इतने पहुंची है तो जिहड़ियां दुकानां खुल्लियां पईआं उन्हां नूं बंद करवा रही है तो पिछे पूरी मुस्तैदी नाल पुलिस जिहड़ी काम कर रही है तुसीं देख लो कैमरामैन नूं कहूंगा कि जिहड़ा पुलिस दे जिहड़े मुलाजम उन्हां नूं दिखाओ कि किस तरह हुण दुकानां जिहड़ियां बंद करवा रहे ने तो लोगों नूं सोशल डिस्टेंस दे बारे दस रहे ने लोगों वालों जिथे सोशल डिस्टेंस के मूँह से मास्क पाने की जी सरकार वालों गल की गई है तो लोगों वालों उन्हां हदायतों की पालना बिल्कुल नहीं की जा रही बल्कि उस हदायतों दी पूरी तरह धज्जियां उड़ाईआं जा रही हैं तो जिसे संबंध में लोगों को पता नहीं कदों अपनी बेवकूफ़ी तो बाहर निकल के इस महामारी के प्रति सुचेत होणगे तां जो इस महामारी तो बचिए जिथे करोना वायरस की बीमारी दस्तक दे चुकी है उत्थे ही साडी फास्ट वे न्यू टीम लोगों को जागरूक करने लिए हर शहर के इलाकों के दस्तक दे रही है तां जो लोगों को समझ आ सके कि जिला प्रशासन वालों जिथे काम कर दी ढिल दी गई है उत्थे कि कामां नूं बंद करने लिए सारा जिहड़ा समा है शाम का 6 बजे तो बाद 6 बजे का हैगा पर 6 बजे तो बाद भी दुकाना काफ़ी शहर के अंदरूनी हिस्सों में खोलियां गई सी जिदे दरम्यान साडी टीम शहर के वख-वख हिस्सों में पहुंची है जे गल कर लिए ढाब चूरबेरी देवी वाली गली तो शक्ति नगर तो अपना चिंतपुर्णी चौंक के जिथे कि दुकाना खुलियां पईआं सी शाम के हदायतों तो बाद भी जो दुकाना खुलियां तो लगता कि आने वाला समा जिहड़ा होर भयानक रूप धारण कर सकता इन्हां लोगों के कारण होर लोगों की जिंदगी भी जी भयानक रूप धारण कर सकती है तो अज्ज लोड़ है लोगों को इस महामारी तो जागरूक करन दी ते नाल होण दी तां जो इस महामारी तो बचा जा सके कैमरामैन राजन कुमार दे नाल सुशील शर्मा फास्ट वे न्यूज़ अमृतसर।